हेलो एंड वेलकम टू द स्किल लेक्चर। आई एम हिमांशु सिंसनवार, लेक्चरर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज के इस ई लेक्चर की सहायता से हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से आप लोगों को फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट वर्क और उस प्रोजेक्ट वर्क की रिपोर्ट को तैयार करना होता है, और इन्हीं दोनों बातों के बारे में हम लोग इस ई लेक्चर के माध्यम से डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि BTER यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान के अनुसार फाइनल ईयर के डिप्लोमा के छात्रों को एक प्रोजेक्ट वर्क तैयार करना होता है और उसी प्रोजेक्ट वर्क की एक डिटेल रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है। तो इस प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए जो आपको अवधि दी जाती है वो 24 दिनों की अवधि होती है। इन्हीं 24 दिनों के अंतर्गत आपको प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को तैयार करना होता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रोजेक्ट का इंटेंशन क्या होता है, यानी कि प्रोजेक्ट बनवाया ही क्यों जाता है। तो देखिए, आप लोगों ने जो भी डिप्लोमा के 3 वर्षों के दौरान अध्ययन किया है तो उसी अध्ययन का उपयोग करते हुए आप लोगों को एक वर्किंग मॉडल, एक डिज़ाइन या फिर एक प्रोटोटाइप, जिसे हम एक डेमोन्स्ट्रेटिव मॉडल भी कह सकते हैं, वो बनाना होता है, ताकि आप लोगों ने जो भी इस 3 सालों का अध्ययन किया है उसका आप प्रैक्टिकल उपयोग या फिर यूँ कहें उसका प्रायोगिक उपयोग भी आप लोग सीख सकें। तो इसकी सहायता से आप लोगों को कई सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं एक प्रोजेक्ट वर्क को बनाने के दौरान। तो जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कैसे करें। तो देखिए, प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने के लिए कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है। पहली बात तो ये कि जो प्रोजेक्ट आप लोग ले रहे हैं वो इस तरह का लें कि जो आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का हो, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, जो भी सब्जेक्ट आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसी सब्जेक्ट का अगर आप प्रोजेक्ट लेते हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि आप लोगों को उस सब्जेक्ट के बारे में फर्दर स्टडी करने का मौका मिलता है और उस सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, और क्योंकि आपका इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर तो आप इस प्रोजेक्ट को भी काफ़ी इंटरेस्ट के साथ बनाएंगे। तो इसलिए ध्यान रखें कि उसी टॉपिक, उसी एरिया से आप लोग प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करें जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। जो दूसरी बात है वो ये कि जो भी आपने आइडियाज़ इकट्ठे किए हैं कि इस प्रोजेक्ट ये टॉपिक्स हैं जिन पे कि आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उन सभी आइडियाज़ को अपने गाइड के साथ डिस्कस करें, ताकि आप और आपके गाइड इस निष्कर्ष पे पहुँचें कि फाइनली आपको कौन सा प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। जो तीसरी बात है वो किसी भी प्रोजेक्ट का टाइटल सेलेक्ट करते हुए हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इक्विपमेंट्स और कुछ अलग मटेरियल्स चाहिए होते हैं जिनकी सहायता से प्रोजेक्ट को बनाना होता है। तो आप किसी भी प्रोजेक्ट के टाइटल को फाइनल करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो भी अदर मटेरियल्स हैं जो कि उपयोग में आने वाले हैं, वो उनकी जो अवेलेबिलिटी है वो इजीली आपको हो जाएगी, यानी कि सारे इक्विपमेंट्स और सारा मटेरियल आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और जो दूसरी बात है वो है रीडिंग मटेरियल। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट बनाते समय भी काफ़ी स्टडी करते रहना होता है, तो आपको ये भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जो रीडिंग मटेरियल्स हैं, यानी कि जो बुक्स हैं या फिर जर्नल्स हैं या फिर जो ऑनलाइन कंटेंट है, वो उस प्रोजेक्ट के बारे में आपके पास सफिशियंट क्वांटिटी में अवेलेबल हो, ताकि प्रोजेक्ट बनाने के दौरान आपको किसी भी प्रकार की बाधा का सामना ना करना पड़े। जो चौथी बात है वो ये कि आपको कॉस्ट एस्टिमेशन करना ज़रूरी है प्रोजेक्ट के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रोजेक्ट जो होता है वो किसी एक ग्रुप के द्वारा बनाया जाता है। ग्रुप में कई सारे छात्र होते हैं, तो वो वही जो छात्र होते हैं मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं, और उसी कंट्रीब्यूशन की सहायता से प्रोजेक्ट को बनाया जाता है। तो कॉस्ट एस्टिमेशन एक काफ़ी सिग्निफिकेंट स्टेप है कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट की जो फाइनल कॉस्ट है वो क्या आएगी, ताकि इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो आपके लो आप लिमिट में रहे और उस पर्टिकुलर लिमिट के अंतर्गत ही आप लोग उस प्रोजेक्ट को बना सकें। जो एक और इम्पोर्टेंट बात है जो कि प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करने से पहले हमें ध्यान रखनी चाहिए, वो ये कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि आप लोगों के लिए जो टाइम की रिक्वायरमेंट है वो 24 डेज है, और इन्हीं 24 डेज के अंतर्गत आप लोगों को प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना होता है। तो आप लोगों को प्रोजेक्ट इस तरह का चुनना चाहिए कि वो 24 डेज के अंदर तैयार हो जाए। जो
छठी बात है वो ये कि आप लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जो आप लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो इस प्रकार का हो जिसकी एक फ्यूचर यूटिलिटी या फिर एक फ्यूचर स्कोप हो, मतलब कि जो फ्यूचर में आने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस प्रोजेक्ट की सहायता से संबंधित सब्जेक्ट को समझने में आसानी हो और इस प्रोजेक्ट की सहायता से वो अपनी स्टडी में लाभ ले सकें। तो अब बात कर लेते हैं कि जब आपने प्रोजेक्ट का टाइटल चुन लिया है तो इस प्रोजेक्ट की तैयारी करने और इस प्रोजेक्ट को तैयार किस तरह से किया जाएगा। तो देखिए, टाइटल को चुनने के बाद सबसे पहले आपको अपने ग्रुप के मेंबर्स और गाइड के साथ मिलकर के एक प्लान तैयार करना होता है कि किस तरह से आप विभिन्न हिस्सों में इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे, क्या आपकी एक क्रोनोलॉजी होगी और किसको जिसको फॉलो करते हुए आप इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। तो ये एक डिटेल प्लान आपके पास होना चाहिए, एक डिटेल प्लान आपको अपने गाइड के साथ मिलकर तैयार करना चाहिए कि इस प्रोजेक्ट को किस तरह से तैयार किया जाना है। जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको एक टाइम फ्रेम डिसाइड करना चाहिए और हर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के हर पार्ट को आपको कब पूरा करना है उसकी एक डेडलाइन आपको बनानी चाहिए। यानी कि जैसे मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट जो है 3 पार्ट में पूरा होता है, उस तीन पार्ट्स में जो प्रत्येक पार्ट है उसकी एक डेडलाइन होनी चाहिए, यानी कि इस निश्चित समय तक ये पार्ट पूरा हो जाना चाहिए। तो एक पूरे प्रोजेक्ट की पूरे प्रोजेक्ट वर्क की आपके पास एक टाइमलाइन होनी चाहिए कि इस समय के दौरान हमें ये प्रोजेक्ट वर्क पूरा करना है। जो तीसरी बात है कि वो ये कि आपको प्रोजेक्ट बनाते समय स्टडी कंटिन्यू करनी होती है, क्योंकि ताकि आपका प्रोजेक्ट आसानी से पूरा हो सके। तो इसके लिए आपको जो जो रेफरेंस आपके सोर्सेज हैं, जैसे कि वो कोई बुक हो सकती है, कोई जर्नल हो सकता है, कोई ऑनलाइन कंटेंट हो सकता है, तो उनकी अवेलेबिलिटी आपको सुनिश्चित कर लेनी चाहिए और उनकी कंटिन्यू स्टडी भी आप लोगों को करनी चाहिए प्रोजेक्ट को बनाने के दौरान। जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमेशा प्रोजेक्ट बनाने के दौरान आपकी प्रोजेक्ट की क्या प्रगति है, यानी कि जो प्रोजेक्ट है वो किस स्टेज में चल रहा है, इसको हमेशा अपने गाइड्स के साथ आप शेयर करना चाहिए, उस गाइड को अपडेट करते रहना चाहिए ताकि प्रोजेक्ट का जो कार्य है वो पूरी तरह स्मूथली किया जा सके। जो पांचवी बात है वो ये कि जो भी जरूरी इक्विपमेंट्स हैं या फिर जो भी मटेरियल है उन सबको आपको लोकल मार्केट से या फिर ऑनलाइन आपको जो ऑनलाइन आप जो अवेलेबिलिटी है उसको सुनिश्चित कर लेना चाहिए एडवांस में। यानी कि आपको जो किस प्रोजेक्ट का कोई पर्टिकुलर पार्ट आपको बनाना है तो उसके लिए आपको कौन से इक्विपमेंट चाहिए, कौन सा मटेरियल चाहिए, तो उसकी जो अवेलेबिलिटी है वो आपके पास एडवांस में होनी चाहिए ताकि प्रोजेक्ट को बनाने में किसी प्रकार का डिले ना हो। तो अब देख लेते हैं कि जब प्रोजेक्ट हम लोग बना रहे हैं तो हमें एक रिपोर्ट भी तैयार करनी होती है जिसमें कि इस प्रोजेक्ट की डिटेल आपको लिखनी होती है। तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को किस तरह से तैयार किया जाता है, इसके कौन कौन से हिस्से होते हैं, इसके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, एक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है उसके जो मेन टॉपिक्स होते हैं वो होता है पहला टाइटल पेज, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा अकनॉलेजमेंट, चौथा टेबल ऑफ कंटेंट्स, पांचवा इंट्रोडक्शन, छठा प्रिपरेशन एंड प्रोसेस, सातवा टेक्निकल डिटेल्स, आठवा कंक्लूजन, नवा रेफरेंस और लास्ट अपेंडिक्स। तो देखिए, इन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। जो पहला होता है टाइटल पेज, तो देखिए ये किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का फ्रंट पेज होता है जिसके कि ऊपर कॉलेज का नाम होता है, प्रोजेक्ट का नाम होता है, यानी कि प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव होता है। इसके साथ साथ में ये भी मेंशन किया होता है कि प्रोजेक्ट किस को सबमिट किया गया है और किसके द्वारा सबमिट किया गया है। इसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट, तो देखिए एब्स्ट्रैक्ट क्या का होता है, ये आपके प्रोजेक्ट की एक शॉर्ट डिटेल होती है, या फिर यूँ कहें कि आपकी प्रोजेक्ट की समरी होती है, या फिर आपके प्रोजेक्ट का ब्रीफ इंट्रोडक्शन होता है। तो तीसरा हिस्सा जो आपके प्रोजेक्ट रिपोर्ट का होता है, जो तीसरा सेक्शन होता है वो होता है अक्नॉलेजमेंट। अक्नॉलेजमेंट एक ऐसा सेक्शन है जिसके के द्वारा आप लोग अपनी थैंकफुलनेस जाहिर करते हैं उन गाइड्स के प्रति जिसने जिन्होंने आपकी मदद की है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। और इसी एक्नॉलेजमेंट के नीचे
आपके स्टूडेंट के साइन किए होते हैं या फिर स्टूडेंट्स जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को बनाया है उनका नाम का मेंशन किया होता है। जो अगला हिस्सा होता है किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वो होता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। देखिए टेबल ऑफ कंटेंट्स जो होती है वो एक तरह का इंडेक्स ही होती है जिसमें कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट के जो डिफरेंट कंटेंट्स होते हैं उनके बारे में मेंशन किया होता है उनके रिस्पेक्टिव पेज नंबर्स के साथ ही। जो अगला हिस्सा होता है किसी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वो था इंट्रोडक्शन। देखिए इंट्रोडक्शन में आप लोगों सबसे पहले अपने जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में एक लार्ज इंट्रोडक्शन देना होता है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बताना होता है, उस प्रोजेक्ट की नेसेसिटी के बारे में बताना होता है और ब्रीफ में आपको उसके टेक्निकल डिटेल्स के बारे में भी बताना होता है। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर लिखना होता है कि हमने इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से प्रिपेयर किया है और क्या हमारी प्रोसेस रही है। तो देखिए इसके अंदर आपके प्रोजेक्ट का लेआउट होता है, उसका एक बॉल उसका ब्लॉक डायग्राम होता है, प्रोजेक्ट की डायमेंशंस होती हैं और प्रोजेक्ट की पिक्चर्स होती हैं। इसके अलावा उस प्रोजेक्ट से जुड़े अदर स्पेसिफिकेशंस भी होते हैं। और इसके साथ साथ ही आपको जो कार्यविधि है आपके प्रोजेक्ट की वो भी उसका भी वर्णन आपको इस सेक्शन के अंतर्गत करना होता है कि किस प्रकार से आपका जो वर्किंग मॉडल है प्रोजेक्ट का वो किस प्रकार से वर्क करता है। इसके बाद जो सेक्शन आता है वो आता है टेक्निकल डिटेल्स। इस सेक्शन के अंदर आपके जो प्रोजेक्ट होता है उसकी टेक्निकल डिटेल्स होती हैं, प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट के स्पेसिफिकेशंस होते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन, उसका टाइप और उसकी बारे में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है इन सभी चीज़ों के बारे में इस सेक्शन के अंदर बात होती है। और इसके अलावा जितने भी डिवाइसेस और इक्विपमेंट्स इस प्रोजेक्ट को बनाने के अंतर्गत यूज़ किए गए हैं उन सभी का जो डिस्क्रिप्शन होता है वो इस सेक्शन के अंदर दिया जाता है। जो अगला सेक्शन होता है वो होता है कंक्लूजन, यानी कि आपके जो प्रोजेक्ट की क्या एप्लीकेशन है, क्या यूटिलिटी है और क्या इसका फ्यूचर स्कोप है, इसी के बारे में आपको कंक्लूजन लिखना होता है। यानी कि एक आपको एक तरह से कंक्लूड करना होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसकी फ्यूचर में जाके क्या यूटिलिटी और क्या एप्लीकेशन होने वाली है। जो अगला सेक्शन होता है वो होता है रेफरेंस या फिर बिब्लियोग्राफी। इस सेक्शन के अंतर्गत आप लोगों को अपने प्रोजेक्ट बनाने के दौरान जो भी बुक्स का आपने उपयोग किया है या फिर जो भी जर्नल्स का उपयोग किया है, जहाँ से आपने रेफरेंस लिया है या फिर ऑनलाइन कंटेंट का भी आपने रेफरेंस लिया है, तो उन सभी रेफरेंसेस का आपको मेंशन करना होता है इस सेक्शन के अंतर्गत, जिसका कि नाम है रेफरेंसेस और जिसे कि हम बिब्लियोग्राफी भी कहते हैं। जो लास्ट सेक्शन होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट का वो होता है अपेंडिक्स। देखिए अपेंडिक्स में एक एडिशनल या फिर सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि प्रोजेक्ट वर्क से रिलेटेड डेटास, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज या इससे रिलेटेड वोकेबुलरी भी इस सेक्शन के अंतर्गत हो सकती है। सो आई होप आप लोगों को इस ई लेक्चर की सहायता से अपनी प्रोजेक्ट वर्क को सेलेक्ट करने में, प्रोजेक्ट वर्क को पूरा करने में और प्रोजेक्ट वर्क की रिपोर्ट बनाने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू।